बैक गाइस ऑन आईटी कम्युनिटी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डीएमएल कमांड्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हम लोग क्रिएट, अपडेट और डिलीट कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग डीडीएल कमांड को कैसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं, जिसमें होता है क्रिएट करना टेबल को, ड्रॉप करना टेबल को और अल्टर करना। और लास्ट हमने देखा था कि ट्रंकेट का कॉन्सेप्ट क्या है। और अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। इसमें मैंने बताया है कि मैं इस पूरे डेटाबेस कोर्स को कैसे डिजाइन किया हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं क्वेरीज को। ओके, तो मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैंने पहले से ही कुछ टेबल में कॉलम बना लिए हैं ताकि यहाँ पे आपका समय बचे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट कर देता हूँ, जिसमें मैं आपको इस पूरे वीडियो का नोट दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और हम लोग देखते हैं कि हम लोग टेबल में वैल्यूज को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। मैं आप लिख देता हूँ इंसर्ट इनटू टेबल, इंसर्ट वैल्यूज इनटू टेबल। तो अब उसके लिए हम लोग को कमांड ऐसा लिखना होता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम एसटीयूडी वैल्यूज। कौन से वैल्यू? तो पहला नेम क्या होगा, सीरियल नंबर। तो एक स्टूडेंट मानते हैं, इसका सीरियल नंबर है 1। फर्स्ट नेम लेट्स से राम, कुमार, और इसको हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं, 1 रो इफेक्टेड। और हम लोग इसको देखने के लिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो भी वैल्यूज हम लोग टेबल में डाल रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे कैसे, क्योंकि मैंने अब तक ये बता दिया कि हम लोग टेबल बनाएंगे कैसे, टेबल में कॉलम्स कैसे बनाएंगे, बट मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि जो वैल्यूज हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, जो कॉलम हम लोग बना रहे हैं, उसको हम लोग देखेंगे कैसे कि आखिर उसमें गया क्या है आखिरी। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा कमांड है और आपको अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही समझना है। और जैसे जैसे हमारा लेवल ऊपर होते जाएगा और वीडियोज आते जाएंगे, मैं चीजों को और डिटेल में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो उसके लिए कमांड होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीयूडी। स्टार का मतलब क्या होता है कि जो भी है उसमें वो सब दिखा दो, उसमें जो भी है सब दिखा दो, किसी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं है। तो इसको अब मैं एग्जीक्यूट कराता हूं। आपने देखा कि मैंने एक ही वैल्यू जब तक इंसर्ट की थी और यहां पे आ चुका है। और दूसरी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, वो मैं ले लेता हूं मोहन, और इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि क्या वैल्यूज इंसर्ट हुई है। तो हाँ, हमारी वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी है। इसमें एक बात आपको और ध्यान रखना है कि जहाँ पे वैल्यू का डेटा टाइप इंट है, वहाँ पे आपको सिंगल ब्रैक या सिंगल इन्वर्टेड में आपको उसको पैक करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली उस वैल्यू को डायरेक्टली लिख सकते हैं। बाकी जहाँ पे आपका वैर कैर या करेक्टर आपको देना है, वहाँ पे आपको वैल्यूज को लिखना पड़ेगा। ओके, और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ पे वैल्यूज नॉट नल है, वहाँ पे आप लोग जरूर वैल्यूज प्रोवाइड करें। और नल मतलब कि आप लोग उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बट अभी के लिए मैं उसमें सारे वैल्यूज दे रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। और जनरली हम लोग, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नॉट नल और नल का यूज तब करते हैं जब हम लोग कोई फॉर्म बनाते हैं और जहाँ पे यूजर से हमें कुछ इनपुट लेना होता है, वहाँ पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि वेदर ये यूजर, हम लोग यूजर की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कहीं कहीं लास्ट नेम होता है वो मैंडेटरी नहीं होता है, इवन कुछ लोग अपना लास्ट नेम लिखते नहीं है, तो ऐसे कुछ कंडीशंस होती हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसमें अपडेट कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई वैल्यू है तो उसमें हम लोग अपडेट कैसे कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए मैं कमांड लिखता हूँ, क्या अपडेट करना है, तो एसटीयूडी अपडेट करना है। सेट करना है हम लोग को क्या, हम लोग को सेट करना है मोहन से रमन, जो भी ये वैल्यू है मोहन नेम से, उसको हम लोग को मोहन नहीं रमन कुमार करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, सेट क्या करना है फर्स्ट नेम को, और क्या करना है रमन, किसको रमन करना है, तो वेयर, वेयर मतलब कहाँ, तो वहां पे जहां पे सीरियल नंबर, जहां पे यस नंबर है आपका 2, उस वैल्यू को आपको रमन करना है। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट करा है, 1 रो इफेक्टेड, फिर मैं इसको सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया। तो आप देखिए अब ये रमन कुमार हो चुका है। मान लीजिए आपको लास्ट नेम आपको चेंज करना है, कुमार नहीं, मान लेते हैं कि रोहन तिवारी है ये, तो तिवारी के लिए मैं लिखूंगा तिवारी। इसका क्या है लास्ट नेम,
और मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखूंगा, मैं लिखूंगा जहां पे फर्स्ट नेम उसका रमन है उसका उस आदमी का लास्ट नेम तिवारी कर दो, फिर मैं एग्जीक्यूट करूंगा वन प्रोफेक्टेड और मैं करूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इजीली चेंज हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग डिलीट को कैसे यूज करते हैं या डिलीट कमांड का क्या यूज है। तो डिलीट कमांड के लिए सिंपल है कि डिलीट फ्रॉम कहां से, तो एसटीयूडी टेबल से। क्या करना है तो हमें वो करना है जिसका सीरियल नंबर है दो, सीरियल नंबर है दो। और इसको मैं सिंपली अगर एग्जीक्यूट कराऊंगा तो यहाँ पे लिखा है वन रो इफेक्टेड। अब मैं इसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटीयूडी करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मात्र एक ही रिकॉर्ड है जो कि अब यहाँ पे बचा हुआ है। तो हमने देख लिया कि हम लोग वैल्यूज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, हम लोग वैल्यूज को कैसे अपडेट कर सकते हैं और कैसे डिलीट कर सकते हैं। इसका और हायर वर्जन मैं अपकमिंग वीडियोस में जरूर बताऊंगा, बट अभी बिगिनर पॉइंट के लिए और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना काफी है, इतना सफिशियंट है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट्स पेस्ट कर दिया, आप इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दोबारा ये वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो मैंने इसमें पहले पॉइंट में ये बताया कि हम लोग स्टार करके टेबल की सारी वैल्यूज को कैसे ले सकते हैं, फिर मैंने बताया कि इंसर्ट अपडेट और डिलीट के बारे में, उसके बारे में प्रॉपर बात इस वीडियो में हो चुकी है। फिर मैंने लिखा कि इंसर्ट वैल्यू शुड फॉलो प्रॉपर ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि आप इंसर्ट में जो वैल्यूज में जो तीनों चीज है तो आपको हमेशा पता होना चाहिए जो आप यहाँ पे पहले कॉमा का जो पहले लिखेंगे वो आपके इस वाले में जाएगा, जो कॉमा के आप बाद लिखेंगे मतलब बीच में लिखेंगे वो आपका यफ नेम होगा, और जो लास्ट में होगा वो आपका यल नेम में जाएगा। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे, अगर यहाँ पे आप कुमार और यहाँ पे मोहन कर देंगे तो फर्स्ट नेम में चला जाएगा कुमार और लास्ट नेम में चला जाएगा मोहन। तो आपको ऑर्डर हमेशा फॉलो करना पड़ेगा कि आपने किस ऑर्डर में टेबल बनाया है, और आपको उसी ऑर्डर में वैल्यूज को भी इंसर्ट कराना है। अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट कराना है तो आप यहाँ पे कॉमा देके और भी वैल्यूज को इंसर्ट करा सकते हैं एट द सेम टाइम। फिर मैंने बताया कि वेयर की हेल्प से हम लोग बेसिकली टारगेट करते हैं फील्ड्स को। जैसे कि मैं अगर बता चुका हूँ कि जैसे हम लोग को अपडेट करना होता है या डिलीट करना होता है तो हम लोग को टारगेट करने की जरूरत पड़ती है, वैसे ही तो टारगेट करने के लिए जरूरी क्या है, हमें उसको किसी तरह से यूनिकली आइडेंटिफाई कर लें। तो यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यस नेम के, यस नंबर के आधार पे। जैसे अगर आप कॉलेज में पढ़ते होंगे तो आपका कॉलेज में एक सीरियल नंबर है, वो जो सीरियल नंबर है वो पूरे यूनिवर्सिटी में वो मात्र आप ही का है, उसके हेल्प से मैं आपके सारी डिटेल्स को एक्सेस कर सकता हूँ। उसी तरह से मैं यहाँ पे वेयर कमांड, वेयर की हेल्प से मैं किसी भी चीज को टारगेट कर सकता हूँ यूनिकली। अगर उसमें कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है तो यूनिक प्रॉपर्टी को, और नहीं तो जनरल है तो जनरल प्रॉपर्टी को। लेकिन मेरा कहने का पूरा ये मतलब है कि वेयर की हेल्प से हम लोग फील्ड्स को इजीली टारगेट कर सकते हैं, और उसमें जो भी ऑपरेशन या डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं वो हम लोग इजीली परफॉर्म करा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मैं यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे कंटेंट लाता रहता हूँ। और अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू।